सबको जय मसीह की। कैसे हैं सब? ठीक है। जैसे यीशु मसीह अपने माँ बाप के यूसुफ और मरियम के वश में रहा, कहने का मतलब यूसुफ और मरियम गरीब थे तो वो गरीब परिवार में रह रहा है। गरीब परिवार का मतलब आज बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम क्या करें, अलग से स्पेशल हमारा कमरा तो हम भी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के 4 भाई और 2 बहन थी, 6 और 1 यीशु मसीह, 7 बहन भाई थे ये और 2 माता पिता। तो वो गरीब कैसे थे हमें पता कि वो चिड़िया और कबूतर लेकर मंदिर में गए थे, क्योंकि जिसके पास भेड़ बकरी के पैसे नहीं होते वो गरीब होता, वो ये चीज लेते हैं। तो इससे पता लगता है गरीब का मतलब उसके पास ज़्यादा कमरे नहीं थे, उन्हीं के बीच में क्या करता। आज बहुत से बोलते हैं आपको नहीं पता भैया हमारे घर में माहौल कैसे होता है, मगर यीशु मसीह भी क्या है, गरीब बनकर रह रहा है। और दूसरी बात, बहुत से बोलते हैं कि आपको नहीं पता कि आपका तो पूरा परिवार विश्वास में, हमारा परिवार विश्वास में, यीशु का भी पूरा परिवार विश्वास में नहीं था। अब मैंने आयत दी थी, 3 आयतें, उसमें बोला था कि उसके भाई बहन उस पर विश्वास नहीं करते थे। हो सकता है कि उनके भाई बहनों के बीच में वो गुट बना के यीशु के खिलाफ भी कुछ बोलते होंगे, मगर उनके प्रति यीशु ने उनके प्रति कोई बैर भाव, कोई उसमें भी वो परखा गया, परिवार में भी, उसमें भी क्या निकला, वो निष्पाप निकला। आत्म क्या करा, वो परखा गया तो भी निष्पाप निकला। तो 2-3 आयत पढ़ी थी हमने, गरीब था, ज्यादा कमरे नहीं थे, दूसरा उसके भाई बहन भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, और 3 आयत थी कि जब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इस आयत को लेकर हम आगे जाएंगे, उधर हमने पढ़ा था कि अगर माँ बाप के बच्चा अगर अधीन में है तो वो क्या करेगा, बहुत दिन तक जीवित रहेगा, और ये प्रभु की क्या है, प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पर लिखा है, फिर बच्चों को लिए बोला था, इधर माँ बाप को बोला गया है, कहता है बच्चे वालों, यानी कि माता पिता, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ। रीस ना दिलाओ मतलब उन पर अपनी मनमानी ना करो। मनमानी का मतलब हम बोलते ना, नहीं मैं कह रहा हूं ना ऐसे चल, उनको ऐसी अपनी मर्जी में या गुस्से में आकर उनको रीस ना दिलाओ। परंतु क्या लिखा है, परंतु प्रभु की शिक्षा, मतलब हम अपनी अकड़ में नहीं, उनको कैसे, प्रभु की शिक्षा। समझ में आ रहा है कुछ? हम बोलते कि डरा धमका कर ऐसे बस मिले, ऐसे नहीं, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उनका पालन पोषण करें। ये आज समझ में आई है? यीशु मसीह को भी क्या है, ऐसे ही उसको शिक्षा देकर पालन पोषण कर रहे थे वो। समझ में आपको आ रहा है कुछ? उनको मार कूट के ऐसे नहीं, मैं तू ऐसे चलता नहीं, ऐसे चल, ऐसे नहीं, उधर लिखा है बच्चों वाले अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते उनका पालन पोषण करो। जैसे हम उनका खाना पीना का ध्यान रखते हैं, प्रभु की शिक्षा, बेटा प्रभु का वचन ये कहता है, प्रभु के वचन में ऐसे लिखा, तो उनको ऐसा क्या करें, हम पालन पोषण करें। अगर ऐसा पालन पोषण हम करेंगे तो ये बच्चे बड़े होकर कभी भी नहीं बिगड़ेंगे, कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। क्यों लिखा कि अगर माँ बाप के आज्ञाकारी रहेंगे तो प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया, प्रभु की उनकी आस पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहेंगे और प्रभु की आशीष उन पर बनी रहेगी। उसमें 2 में है, पढ़ ले बेटा, ये अपने माता पिता का आदर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा है, अगर आदर करेंगे तो प्रभु क्या कहता है, प्रतिज्ञा, आगे प्रतिज्ञा क्या है, कि तेरा भला हो, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। यही है, इधर बच्चों सब देख रहे हैं इधर, तो वो 2 बातें हैं उसमें से, फिर हम आगे अब जाएंगे, क्योंकि ये बातों को चेन से चेन मिलानी, इसलिए इतना पढ़ा रहा हूं मैं। वो 4 पे वापस जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों का क्या करना है, हमें उनको रीस नहीं दिलानी, गुस्सा नहीं। रीस का मतलब, यीशु मसीह 12 साल का हो गया, कहाँ पर था वो, मंदिर में। कहाँ गए ये, पसे के पर्व के लिए मंदिर में गए। तो जब मंदिर में गए, इनका सारा काम खत्म हो गया,
जो भी पूजा पाठ बेल बकरी जो चढ़ानी थी चढ़ा दिया, अब घर जाने का समय था। तो यूसुफ और मरियम सोच रहे कि शायद कोई भीड़ के साथ वो यीशु चला गया होगा, तो वो भी क्या चले गए, घर की ओर चले गए। जब यीशु नहीं दिखा तो रास्ते में सोचा कि रास्ते में मिल जाएगा, रास्ते में भी नहीं मिला, फिर सोचा कि शायद घर चला गया हो, घर पे भी नहीं मिला। फिर वापस 3 दिन का सफ़र करके वापस कहाँ, यरूशलेम में वापस आ रहे, तो वहाँ पर पता क्या कर रहा वो, बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ क्या कर रहा है वो, सवाल कर रहा है। जब सवाल कर रहा है अब निकालेंगे वो वापस। लूका 2:51, जब ये तीसरे दिन वापस यीशु को लेने के लिए कहाँ जा रहे, मंदिर में जा रहे कि शायद यहां तो नहीं तो वापस वहीं होगा, तो क्या तब उनके साथ गया और नासरत में आया, यानी कि मंदिर से ले जाकर कहाँ ले गया, अब नासरत में ले जा रहे इसको। जब ले जाते समय बोल रहे कि तू हमको कितना परेशान कर रहे, हम कब से ढूंढ रहे तेरे को, तो कहता है तुम्हें मालूम नहीं मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है, यानी कि माँ बाप बोल रहे कहाँ पर, घर चल, और वो कहता है मुझे अपने पिता के घर में रहना। मगर फिर भी जब ले गए उसको, क्योंकि किस लिए जा रहे हैं वो, 30 साल तक अधीन में रहना है, नहीं तो वो 12 साल में क्या है, तैयार था मंदिर में बैठ कर सवाल जब बड़े बड़ों से कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है। तब वो उनके साथ गया, वो जब लेने आया तो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रह रहा। समझ में आ रहा है कुछ, नासरत में आके उनके वश में रह रहा है, वश का मतलब उनकी आज्ञा में, उनकी अधीनता में रह रहा है, जबकि इतना ज्ञान इतना सामर्थ सब कुछ था। जब उनके साथ में रह रहा तो लिखा है उनके वश में रहा, तो बस इधर से हम अब आगे जाएंगे। उनके वश में रहा और मैंने देखा उनका पालन पोषण कैसे करा, शिक्षा देकर चेतावनी देकर। हम भी अपने बच्चों को शिक्षा और चेतावनी देंगे तो ये बड़े होकर कभी भी, अगर हो सकता है भटक गए, मगर वचन इनको प्रभु के मार्ग में ले आएगा। मगर हमारा काम क्या है, इनको परमेश्वर की शिक्षा और चेतावनी देते हुए इनका पालन पोषण करें। इनको मार कूट के हम बस में नहीं ला सकते, इनके लिए आंसू बहाओ, प्रार्थना करो, और इनको खाने के साथ साथ, बेटा जब तक प्रार्थना नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा, जब तक वचन नहीं पढ़ोगे। हम तो कहते हैं नहीं देर हो गई चला जा, ये हम बहुत बड़ी गलती कर, इसलिए अभी से इनको क्या करें हम। तो जब हम देखते नूह के समय में, जब नूह के बच्चे बड़े हो गए, उत्पत्ति 9 में पढ़ा था हमने, जब नूह के बच्चे बड़े हो गए तो वो जहाज में बैठे हैं तीनों, उसकी बहू भी और बेटे भी। जब जहाज में से जल पड़े खत्म होने के बाद नूह ने क्या करा, जब पानी सूख गया, दाख की बारी लगाई, उसमें दाख यानी कि अंगूर उगाए, अंगूर उगा के उसने उसको ले किया दाख मधु बनाया, उसको पीकर नशे में टुल हो गया। टुल होने के बाद घर में नंगा पड़ा है, नंगा होने के बाद एक लड़के हाम ने उसको कहा कर देखा, नंगा देखा, और नंगे देखने के बाद उसने बाहर जाकर दोनों भाइयों को सेम और यपेत को बताया कि बाप अंदर नंगा पड़ा है। बाप ने सुनते ही हाम को क्या दिया, शराब दिया कि तू वंश का, वो सेम के जो बड़ा बेटा सेम के सेवकों का भी सेवक बनेगा, तू सेवकों का भी सेवक, क्यों, क्योंकि तूने बाप को नंगा देकर बाहर उसकी बात बता रहा है, तूने तेरा फर्ज था ढापने का, तूने ढापा नहीं। समझ में आ रहा था कुछ, वो नहीं आ रहा था, क्योंकि जो यीशु के लोग होंगे, यीशु के चेले होंगे, वो हमेशा नंगापन देकर उघाड़ेंगे नहीं, ढापेंगे। और दो ने ढापा तो उनको क्या मिला है, आशीष मिला है। अगर इनको अच्छी शिक्षा वो देता शायद नू, क्योंकि वचन में हम पढ़ते ना प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है, पहला पत्र से 4:8 पढ़े, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है, कहने का मतलब अगर शिक्षा अगर हम देखें, आप देखो ये दोनों नूह के बच्चे शादीशुदा इस समय बड़े हो गए, मगर फिर भी क्या है,
एक ने नंगापन देकर भार बता रहा, तो उसी तरह इससे हम क्या सीखते हैं? अपना घर की बात हमको क्या करना, अपने माता पिता के अधीन हो सकते हैं, उनमें कमियां है, उनमें कमियां है। अब यूसुफ और मरियम के अंदर बहुत कमी थी, फिर भी यीशु उनके अधीन में रह रहा है, उनके वश में रह रहा है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? अगर बताएंगे तो क्या होगा? प्रभु की सजा है, और ढापेंगे तो आशीष है। वो घर पे जाके अच्छी तरह पढ़ लेना, उत्पत्ति 9:26 से है 21 से 26 तक। तो उससे हम अब आगे जा रहे हैं, वही पार्ट से हम आगे जा रहे हैं। उसमें जब यीशु मसीह अभी तक कहाँ पर है, 30 साल का अभी तक उनके अधीन में है। अब 30 साल के बाद की जो घटना अब हम सीखने जा रहे हैं, 30 साल तक का समझ में आया है? वो कहाँ रह रहा है? अपने माता पिता के वश में रह रहा है। अब जब बड़ा हो गया, 30 साल के बाद उसने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। क्या लिया? बपतिस्मा। तो बपतिस्मा लेके सबसे पहले जो काम किया था वो कौन सा था? पानी को दाखरस बनाना। जब ये 30 साल का हो गया, 30 साल का होने के बाद जहां ये जा रहा है, कहां पर जा रहे? गलील के काना। तो वहां पर जाते समय जब खाते खाते देखा, वहां पर दाखरस खत्म हो गया। जब दाखरस खत्म हो गया तो उसकी माँ जो मरियम थी वो अच्छी तरह जानती थी, ये बहुत बुद्धिमान है, घर में कोई भी परेशानी होती है ये सब सोल्व कर देता है। उसको अच्छी तरह उसका व्यवहार, उसकी आदत मालूम थी, क्योंकि 30 साल तक कहाँ ये उनके घर में रह रहे हैं। जब अच्छी तरह उनके साथ रह रहे, तो ये जब गई तो वहां पर ये क्या कह रही है यीशु से? निकाले वो वचन पढ़े। क्योंकि अभी तक यीशु मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया, अभी तक ये पहला चमत्कार है जो पानी को दाखरस बनाया था। तो जब वहां पर गया घर पे जाते समय, तो वहां पर पढ़ेंगे वो आयत यूहन्ना 2:4, क्योंकि बहुत सी अनेक समस्या आई होगी, उनको सबको सुलझाया इसने, पढ़ेंगे इसको। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। जब ये शादी में गए, विवाह में गए, तो वहां पर क्या खत्म हो गया? दाखरस खत्म हो गया। तो मरियम को पता है, क्या पता है? ये इसके पास खूबी है, ये बहुत होशियार है, बहुत कुशल है, तो इसलिए उसे बोलता है। हाँ पढ़े। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। यानी कि यहाँ पर क्या है, दाखरस खत्म हो गया, तो यीशु ने उससे कहा, जब वो महिला बोले कि क्या कहती है कि दाखरस खत्म हो गया, तो क्या कह रहा है वो? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ये पहली बार ऐसे कठोर शब्द बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? पहली बार बोल रहे हैं। और ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे? वहां पे लिखा ना, हमने शुरू में पढ़ा था, जो यदि कोई मेरे पास आए तो अपने माता पिता भाई बहनों को अप्रिय जाने। वो कहां पर हमें अप्रिय जानना है? क्योंकि अभी मुझे मेरे पिता ने दुकाने की दाखरस खत्म हो गया, तो कहते हैं, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम। यानी कि माँ है, फिर भी क्या है, तेरी बात नहीं। तो वहां पर कहने का मतलब, जब ये 30 साल का हो गया, कहता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय। यानी कि जब तक पिता नहीं बोलेगा, मैं इसलिए कहता है, अभी मेरा समय नहीं आया। समझ में आ रहा है आपको? तो वहां पर क्या कह रहा है, वो कठोर शब्द बोल रहे हो। तो जब पढ़ते समय इसको, जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, माता पिता को क्या करना है, अप्रिय जानना, तो हमें क्या करना है, संतुलन बनाना है। संतुलन का मतलब, जैसे तराजू में
लेवल होते हैं ना, जैसे कि माँ बाप की तो बात माननी है हमें, उनका आदर करना, उनके अधीन में रहना है, मगर जहाँ पिता की बात आ जाती है, पिता की बात, जैसे मैंने बताया ना शुरू में, विकास की अगर मम्मी आएगी बोलेगी बेटा मैंने एक लड़की देखी है, या मेरे को वो मंदिर में मैं गई थी वहाँ पर देखा कि जितने भी जाते सब ठीक हो जाते हैं या आशीष मिल जाती है, तो वहाँ पर क्या है हमें संतुलन कहते हैं, महिला है मुझे तुझसे क्या कम। कहने का मतलब कि जहाँ तक मैं आपकी बात मानता हूँ ठीक है, मगर जब वचन से आती है मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ, उसको बोलते हैं आप प्रिय जानना। तो यहाँ पर मरियम बोल दे कि तुझे पता नहीं यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया है, तो कहते हैं अभी मेरा समय नहीं आया। तो वहाँ पर जब पढ़ते हैं इसको, जब अगर मान लो ये 30 साल के बाद सेवा में निकला है अभी, क्योंकि जब तक हम वश में हैं उनके अधीन में हैं तो कहाँ है मैं उनके अधीन में रहना, मगर जब सेवा में, अब ये सेवा में निकला यहाँ पर, ये 30 साल के बाद बपतिस्मा लेकर कहाँ पर है अभी, सेवा में है। माँ बाप से हमें अधीन में रहना, आज्ञा मानना, मगर उससे बढ़कर कहाँ पर, पिता की बातों पर हमें ध्यान देना। तो वही है जो हम एक बार और पढ़वाना चाहता हूँ, मैं उत्पत्ति में आएंगे, क्योंकि जब सेवकाई में आते हैं, जैसे यीशु मसीह सेवकाई में आ गया, तब कहता है अभी मेरा समय, क्योंकि जब वो बोल रहे कि अभी मेरा समय नहीं आया, तो कहने का मतलब यहाँ पर जब पढ़ते समय वो निकाले, हम उत्पत्ति उसका 2:24 पढ़ेंगे हम। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हाँ, यहाँ पर जब पढ़ते समय, क्योंकि ये भी क्या है, एक आज्ञा थी यहाँ पर, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, ये दोनों क्या है, एक तन है। के इसको पढ़ने का मतलब, इसको समझने के लिए एक आयत और पहले पढ़ ले, फिर हम एक साथ ही जाएंगे, भजन संहिता, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, जैसे मसीह लोग भी पढ़ने द्वारा से इसको। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, हाँ? और वे एक ही तन बने रहेंगे। हाँ, अब भजन संहिता में जाएंगे, उसका 45:10 पढ़े। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे और अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। हाँ, यहाँ पर लड़की से बोला जा रहा है, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों को और अपने पिता के घर को भूल जा। यहाँ किससे बोला जा रहा है, लड़की से, और वहां किससे बोला जा रहा था, पुरुष से। क्या उधर क्या बोला गया था, माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। कहने का मतलब ये दोनों आयत किसकी है, ये लड़का की और लड़की की, दोनों को है। यहां पर बोला लड़की से, ये शादी के टाइम पे पढ़ा जाता है जब वो घर की ओर जाती है, तो लिखा है राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों को और अपने पिता के घर को भूल जा। और उधर क्या कहता है, अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से लगा रहे। तो ये दोनों जो आप देखें, अगर कहने का मतलब इनके बीच में अगर माता पिता आते हैं उनको बीच में आने नहीं देना। कहने का मतलब इन चीज़ों को समझने के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा, इनको दोनों को समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादा करके ये मियाँ बीवी में क्या ये गड़बड़ कब आती है, जब माता पिता बीच में आ जाते हैं तभी आती है गड़बड़। तो इसलिए
एक आयत और पढ़ाऊंगा मैं, उसमें क्या है, जैसे मान लो अगर ये गड़बड़ आती है तो बहुत से लोग सोचते हैं क्या करते हैं, अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं, मगर यीशु ने नहीं छोड़ा। जब सलीब पर मरते समय अपने माता पिता को, जब उस समय सलीब पर चढ़ा था उस समय विधवा हो गई थी मरियम, उसकी माता जो, उस समय यूसुफ नहीं है, उस समय क्या कर रहा है वो, यूहन्ना के वश में छोड़ के जा रहा है उसको, ऐसे छोड़ के, यानी कि एक जिम्मेदारी जो है यीशु ने मरते दम तक अपनी जिम्मेदारी को, वो पढ़ लें वो आयत, उसको थोड़ा समझ तभी समझ पाएंगे हम। यूहन्ना सुसमाचार 19 का 26 और 27 मिला के पढ़ लें। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वे प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, किसको बोल रहा है, यूहन्ना से बोलता है, हे नारी देख, क्योंकि ये तो कहां पर इस समय सलीब पर चढ़ा हुआ है। हाँ, तब उसके चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वे चेला उसे अपने घर, उसी समय से वो चेला उसकी माता को अपने घर ले। कहने का मतलब अपनी जो जिम्मेदारी है माता पिता की, वो भी क्या मरते समय भी क्या कर रहा है, वो पूरी करके जा रहा है। अब थोड़ा समझने की बात है यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है शुरू में जो हमने पढ़ा लूका में 14 में, कहता ना अपने माता पिता भाई बहन को जो अप्रिय ना जाने वो मेरे चेला नहीं हो सकता। हम देख रहे शिष्य की, जो हमने शुरू में बताया ना शिष्य, अगर हम उस शिष्य तो उसके पद चिन्हों पर चलने वाले हमें होना चाहिए। अगर हम उसके शिष्य हैं और उसकी आज्ञा या उसके नियम पर नहीं चल रहे, कोई फायदा नहीं है। तो जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर, हमने 3-4 उदाहरण देखे कैसे वो सब बातों में परखा गया तब भी निष्पाप निकला, तो अब जो हम देखने जा रहे हैं, जैसे उसने उसकी माता ने बोला ना, जब दाखरस खत्म हो गया तो कहता है, हे नारी तेरा मुझसे अभी मेरा समय नहीं आया। यानी कि जहां पर अगर कोई भी है आकर, अगर हमें जब तक बाप की बातों को लेकर अगर वो आता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी बातों में नहीं आना। तो यहां पर भी उसने यही बोला था, मगर जो जिम्मेदारी है, कहने का मतलब जो जिम्मेदारी, जो अधीनता है, जो बात माननी वो तो पूरी माननी है, मगर जब वचन की बात आती है उसमें कोई समझौता, ये समझ में आया फर्क। क्योंकि अगर हम अधीन में तो है ही नहीं, और घृणा, यानी कि अगर हम पहले अधीन में है तभी हम घृणा कर सकते हैं। आज बहुत से बच्चे अधीन में नहीं और घृणा करना शुरू कर दिया, वो नहीं है तरीका यही है। पहले क्या था, ये अधीन में था, मगर जब बात आई बाप की सेवकाई के बारे में उसमें कोई समझौता नहीं है। तो यहाँ पर वही है, ये जो लेवी को, जो मेन बात आती है, लेवी जो याजक जो सेवा करने वाले हैं, इनको क्यों चुना गया था, इनको अपनी सेवा के लिए क्यों चुना गया था, इन्हीं मतलब 12 गोत्र में से इन्हीं को क्यों चुना गया, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, 12 गोत्र हैं मगर 12 में से एक को ही क्यों चुना गया, मेन बात यह है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा, अपने माता पिता भाई बहन जो भी थे सबको तलवार से काट डाला। क्यों काट डाला? ये मूर्ति पूजा कर रहे थे। कहां पर कर रहे थे? जब हारून ने बछड़ा बनाया था तो मूसा कहता है, कौन उसकी तरफ कौन इस मेरी तरफ, तो उन्होंने क्या करा, काटते समय जब काट रहे थे उसने ये नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा, वो सोचते कि यार तो माँ बाप है इसको छोड़ के दूसरों को काट दे। अगर बाप आया बाप को काट दिया, माँ ही माँ को काट दिया, तभी उनको चुना गया था, ये है मेरी सेवा के लायक। हम तो मुंह देखकर काम करते हैं, पता नहीं समझ में आ रहे नहीं आ रहे, तभी उनको सेवा के लिए चुना था लेवी को, उनके अंदर ये खूबी थी। निकाल ले वो वचन अगर पढ़ेंगे हम एक बार। कहने का मतलब जहां तक उनके आगे का भी रहना है, उनकी जिम्मेदारी निभानी है। जैसे यीशु ने क्या करा, हमें यीशु से सीखना है ना,
मरते समय भी अपनी विधवा माँ को ऐसे अनाज छोड़ के नहीं जा रहा, किसी के हाथ में दे के जा रहा, क्योंकि अब मैं तो सलीब पर लटका हुआ हूँ, ये मेरी माँ की देखभाल आज से तू करना। कुछ समझ में भी आ रहा है आपको? मगर जब बात आती है सेवकाई की, बाप की मर्जी को पूरा करने की, तो कहता है नारी मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मुझे नहीं पता कितना आप समझ पा रहे होंगे, निकालेंगे वो आयत हम पढ़ ले। लेवी को क्यों मतलब चुना गया था? व्यवस्था विवरण 33 उसका 9 पढ़े। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, उसने तो यानी कि लेवी ने, उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता। कौन बोल रहा है ये? लेवी कहता है मैं उनको नहीं जानता, और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना, उसने अपने भाइयों को भी अपना ना माना, और ना अपने पुत्रों को पहचाना, और ना अपने पुत्रों को भी ना पहचाना। क्यों? क्योंकि वहां पर जब एक आयत पढ़ेंगे उसको भी मिला के पढ़ेंगे, निग्रमन उसका 32, क्योंकि उनको जो सेवकाई का पुरस्कार जो मिला था इसीलिए मिला था, इसने अपने माता पिता भाई बहन से बढ़कर परमेश्वर से प्यार किया था इन्होंने। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। ये वहाँ की घटना है जब हारून ने बछड़ा बनाया, जब बछड़ा बनाकर ये सब क्या कर रहे हैं, वहाँ पर नाच रहे, गा रहे, खा रहे, पी रहे, और बोलते हैं बछड़े की तरह बोलते हैं, इसने हमको गुलामी से बचा के लाया, छुड़ा के लाया है। किसको बोल रहे हैं? बछड़े से बोलते हैं। तब मूसा पर्वत से नीचे आया, तो थोड़ा सा ऊपर से पढ़े समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर ने लेवी को क्यों अपनी सेवकाई के लिए जो पुरस्कार दिया, पुरस्कार का मतलब इनाम दिया सेवकाई के लिए, और भी तो लोग थे। थोड़ा सा ऊपर से पढ़े। हाँ, बहुत ज्यादा ऊपर हो गए, इतना टाइम नहीं है, एक तो ऊपर चले जाओ बस। और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा। हाँ, जो हमारे आगे आगे चले। हमारे लिए एक देवता बना, ये हारून से बोलते इसराइल लोग कि हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि क्या हुआ। वो मूसा जो हमको मिस्र देश से छुड़ा के लाया था उसका तो आता पता नहीं है। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको वे दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब ये बछड़ा निकल पड़ा। हाँ, हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच में उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर, निरंकुश का मतलब जैसे एक राजा होता ना, प्रजा पर शासन करने वाला होता है, अधिकार जमा कर, तो उसी तरह उसने हारून को उनको ऐसा कर दिया कि 25 पे आए द्वारा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच में उपहास के योग्य हो गए। हाँ, मतलब उनके विरोधियों के, मतलब उनको ऐसा कर दिया, उनको मतलब उनके ऊपर ऐसा माहौल बन गया कि उन्होंने उतार के दे दिया, उसने क्या करा वो बछड़ा बना के दे दिया। तो लिखा है हारून उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया कि वे अपने विरोधियों के बीच में उपहास के योग्य हुए। तब आगे जो मेन बात है, हाँ, उनको निरंकुश देखकर यानी कि मूसा ने जब देखा कि वो खा रहे, पी रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, तो उनको देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़ा, यानी कि छावनी यानी कि जहाँ
जहाँ ये सब लोग थे वहां पर खड़ा होकर, हाँ, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। हाँ, जो कोई यहोवा की ओर से वो मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। यहाँ पर है ना पूरे 12 गोत्र के लोग हैं, एक गोत्र नहीं है। गुलामी से जब निकल के आए सब के सब है यहाँ पर। तो कहते जो कोई यहोवा की ओर का वो मेरे पास, यानी कि मौका सबको इस समय, मौका यहाँ पर हम जो बैठे हैं ना, हम सबको मौका है सेवा का। हम सबको क्या है, मौका है। इनको भी क्या है, सबको मौका था। तो ये कहता है जो कोई यहोवा की ओर का वो मेरे पास आए, हाँ, तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। और कोई भी नहीं हुआ, सिर्फ कौन हो, ये सारे लेवी उसके पास इकट्ठे। 12 गोत्र में से एक ही गोत्र निकल के आया, कौन सा, लेवी का। पढ़े, उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। आप देखो इतना एहसान नहीं है अपने बच्चों पर तलवार चलाना, एहसान है क्या? हो सकता है वो जब तलवार चलाने गए होंगे उनका बच्चा भी आ गया होगा। ऐसा नहीं कि ये मेरा बेटा छोड़ दिया, उसको भी काट डाला। बाप आया, बाप को काट डाला, माँ आई, माँ। क्यों? क्योंकि तुमने मूर्ति पूजा करा है। जिस परमेश्वर ने तुमको छोड़ा के लाया उसको तो तुम भूल गए। इसकी तो जो भी आया उसको क्या करा, काट डाला। यही है लेवियों के अंदर खूबी थी, इसलिए उनको सेवा के लिए चुना है। सेवा के लिए परमेश्वर हर किसी को नहीं चुनता। हम भी पढ़ ले इसको पहले पूरा। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। 3,000 के लगभग लोगों को उन्होंने क्या करा, मार के गिरा दिया। किन्ने, लेवी ने, कि हाँ ये है मेरे योग्य, इसलिए उनको सेवा के लिए चुना गया। कहने का मतलब जैसे यीशु मसीह ने भी कहा था ना, कौन मेरी माता, कौन मेरा पिता, कौन भाई, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते वही मेरी माता पिता भाई बहन। अगर आज हम भी, क्योंकि यीशु ने, हम यीशु का क्या कर रहे हैं, चरित्र को देख रहे हैं, उसके हम कामों को देख रहे हैं, वो सब बातों में परखा गया वो देख रहे हैं हम, तो आज वही देख रहे हैं हम। यीशु ने कहा ना जो कोई अपने माता पिता, जो मैंने शुरू में बताया था आयत, क्योंकि हम जब तक प्रेम नहीं करेंगे हम घृणा नहीं कर सकते। यीशु ने पहले क्या किया है, प्रेम के उनके अधीन में रहा, वश में रहा। मगर जब बाप की बात आई, इसमें मैं सहमत नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, हम घृणा तब कर सकते हैं जब पहले उनके क्या करें हम। आज बहुत से बच्चे वश में तो है नहीं, घृणा करना शुरू पहले कर देंगे, वो तरीका नहीं है। अभी इन्होंने क्या करा, जितने भी आए उनको सबको क्या करा, तलवार से काट दिया। क्योंकि इनको जो आज्ञा दी थी ना, अभी जो मारने के लिए बोल रहे हैं अभी, उससे कुछ समय पहले ही निर्गमन 20 में बोला था अपने माता पिता के आदर करो। इनको पहले ही बताया, अभी हमने जो पढ़ा ना, वापस बेटा उधर एक बार फिर से जाना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने क्या करा, यहाँ पर तलवार चला दी। किन के ऊपर, अपने बच्चों पर, माँ पर। किस, यहाँ पर 33 में इन्होंने क्या करा, तलवार चलाई है। मगर 20 आयत में क्या दिया था इनको, आज्ञा दिया था कि माता पिता के आज्ञा का उनके अधीन में रहो, दिया था ना वो 10 आज्ञा में, अपने माता पिता का आदर कर। 20 में बोला था आदर कर, और 32 में क्या कर रही है, तलवार चला रहे। क्यों? क्योंकि तुमने क्या करा है, बलवा किया, परमेश्वर से बलवा किया है, इसलिए क्या करा उन्होंने। अगर परमेश्वर, क्योंकि तुमको जिसने छुड़ा के लाया उसके तुम क्या कर रहे हो, दूसरे को तुम वो दे रहे हो। तो यहां पर जब पढ़ते समय, अब वापस उधर आ जाए, उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना,
और ना अपने पुत्रों को पहचाना, किसी को नहीं पहचाना, किसी को माना, जो भी सामने आया उनको क्या करा उन्होंने, काट डाला। क्यों? क्योंकि तुमने क्या करा, जिस परमेश्वर ने छुड़ा के लाया, एक बछड़े के सामने तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो। तो मेरा इधर जो पढ़ाने का मतलब, जब हम पढ़ते शुरू में, यदि कोई मेरे पास आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, अपने माता पिता, यानी कहने का मतलब, अगर हमको प्रभु का, यीशु मसीह का चेला बनना है, तो जैसे यीशु मसीह ने क्या करा, बाप की मर्जी को पूरा किया। पतरस भी जब आया, कहता नहीं प्रभु तू ऐसा मत कर, कहता हट शैतान दूर हो जा, क्योंकि तू क्या कर रहा है, परमे पिता की मर्जी की, पिता की जो योजना उसको क्या कर रहा है, तू रुकावट डालना चाहता है। अगर पिता की योजना में जो रुकावट डालना चाहता है वही है मैन, उनको क्या करना है, हटाना है। इसलिए कहते जब तक उनको तुम अप्रिय ना जानो मेरे चेले ना ठहरोगे ना बनोगे। तो हमें क्या करना है, उनको क्या करना। अब मैं आपको इधर ख़त्म करना चाहता हूँ। अब्राहम और इसहाक अच्छा उदाहरण है। अब्राहम और इसहाक, अब्राहम के मन में इसहाक के लिए कुछ अंदर आ गया था, इसीलिए बोला था परमेश्वर ने क्या कर, इसको तू अब बलि चढ़ा। यानी कि तुम्हारे अंदर आज बहुत से बच्चे के अंदर माँ बाप के प्रति एक दया आ जाती है। माँ बाप बोलते ना, तुझे नहीं पता मैंने कितनी मेहनत से तुझे पाला है, तेरे लिए मैंने क्या क्या किया, तू कहाँ जाके फंस गया। तो बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप की बात में आकर फैसला बदल देते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए यीशु ने बोला, कौन मेरी माता, कौन मेरे भाई, वही है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। तो जैसे अब्राहम और इसहाक के अंदर जो आ गया था, कहते इसको क्या कर तू अब, जिससे तू प्यार करता उसको क्या कर, बलि चढ़ा। यानी कि हम माँ भाई बहन जिसको भी अगर प्यार आ गया, वही मूर्ति पूजा आ गया, उसको क्या करना है, बलि चढ़ाना है। इसलिए लेवी को इसलिए चुना, इन्होंने क्या करा, काटना शुरू कर दिया। तो इन दिनों में हम क्या, कुछ समझ में आ रहा है आपको है? नहीं बन सकते। आज बहुत से अपनी पत्नी को खुश करने में लगे, अपने माँ बाप को खुश करने में लगे, चाहे बाप की मर्जी टूटे तो टूट जाए। आप वो कह देगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, सबसे पहले हमें सीखना अपने माता पिता का आदर। अगर हम आदर करना सीखेंगे तभी हम घृणा करना भी सीख सकते हैं। हालेलुया। यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं। जैसे यीशु ने तलवार चलाई, हमें भी तलवार चलाना पड़ेगा। बहुत से लोग तलवार नहीं चला पाते, समझौता कर लेते हैं, इसलिए वे आगे जाकर आत्मिक रूप से नुकसान उठाते हैं। लेवियों के लिए अपने माता पिता के साथ उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया। जो व्यवहार उन्होंने किया पीड़ादायक तो था, वो मुश्किल था, मगर उन्हें प्रभु के खातिर वो भी कर दिया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के लिए वो भी कर दिया। लेवियों के लिए बहुत बड़ा ये माँ बाप के ऊपर तलवार चलाना छोटी बात नहीं है, मगर लेवियों ने अपने माता पिता के साथ इतना कठिन, इतना पीड़ा वाला, मगर प्रभु के लिए उन्होंने वो भी प्रभु के खातिर तलवार चला दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने भी कहा मैं तलवार चलाने आया हूं।
स्तुति हो। अगर माँ बाप परमेश्वर की मर्जी के बगैर हमें चलाना चाहते हैं, उनको हम नम्रता से बोले, मैं आपका आदर करता हूं मगर ये आपकी बात में मैं सहमत नहीं हो सकता, इसी को बोलते हैं तलवार चलाना। आज बहुत से लोग बातों में आकर, माँ बाप के पत्नी की बातों में आकर, बेटे बच्चों की बातों में आकर उस बाप की बात को काट देते हैं। इसलिए इन दिनों में जैसे हमारे यीशु ने, जैसे हमने पढ़ा था इब्रानियों 4:15 में, वो हमारी नाई सब बातों में परखा गया तो भी निष्पाप निकला, हमारी भी परख होगी। हो सकता है हमारी पत्नी किसी के बारे में कुछ बोलती है, हमें तुरंत बोलना नहीं ये ठीक नहीं है। हो सकता है हमारा पति उसे बोले नहीं ये ठीक नहीं है, हमें उन बातों में सहमत नहीं होना। हालेलुया, स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अपने माता पिता, अपने संबंधियों का जो मनुष्य के प्रति जो प्यार है उसको काट कर अलग कर दें, उनकी जगह हम ईश्वरीय प्रेम को जगह दे दें। आज बहुत से बच्चे अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखकर ऐसा पिघल जाते हैं, फिर वो यीशु के शिष्य बनने के योग्य नहीं रहते। हालेलुया, अगर हमें यीशु के शिष्य बनना है तो जैसे लेवी ने, उनको जो परमेश्वर ने उस सेवा को एक पुरस्कार के, जैसे पुरस्कार मतलब कुछ काम करते उसके बदले में इनाम देते हैं, उसी तरह लेवियों ने वो काम किया, प्रभु ने इनाम में उनको एक सेवा दे दिया। अगर हमें भी प्रभु से सेवा चाहिए, उसने कहा ना जो कोई अपने माता पिता भाई बहन को अप्रिय न जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसलिए इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर जैसे लेवी ने प्रभु तलवार चलाते समय चेहरा नहीं देखा। धन्यवाद, जो कोई यहोवा की ओर का है वो इधर आ जाए। धन्यवाद देते हैं, उधर से सिर्फ 12 गोत्र में से लेवी निकल कर आया है। धन्यवाद देते हैं, कितनी बार जहां तलवार चलानी चाहिए हम तलवार नहीं चला पाते, हम समझौता कर लेते हैं, उन बातों में हम सहमत हो जाते हैं, मगर आज हम प्रभु ने हमसे बात किया है। अगर लेवी की तरह उसके सेवक बनना है तो तलवार चलानी पड़ेगी। हालेलुया, धन्यवाद देते, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आप जो बोलते हैं ये परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है। आज बहुत से लोग अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में उस परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, इसलिए आज उनके घरों में आशीष नहीं है, उनके घर में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, उसकी शांति को वह अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं को आशीष देता है जो अलगदाई और पवित्रताई से चलते हैं, वही उसको अनुभव कर पाता है। हालेलुया, इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु कितनी जगह मुझे तलवार चलानी थी नहीं चला पाया। प्रभु यीशु मसीह ने भी 30 साल तक उनके वश में रहा, अधीन में रहा, मगर जहां फिर वचन की बात आती है, सेवकाई की बात आती है, उसमें कोई समझौता नहीं है। हालेलुया, अब्राहम ने भी अपने बेटे पर छुरी उठा ली,
हमें भी जैसे याजक लोगों ने, लेवी ने तलवार उठा ली, तलवार उठानी पड़ेगी हमें भी, तभी हम उसकी आशीष को, उसकी सेवकाई को हम कर सकते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन वचनों के द्वारा, जैसे हम यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में देख रहे थे, अगर हम उसके शिष्य हैं तो हमें उसके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। हमारे यीशु ने हमें चलकर दिखाया। हालेलुया, 30 साल तक माँ बाप के अधीन में रहकर एक अच्छा नमूना देकर परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में, उनके बुद्धि में, डिलडोल में बढ़ता गया। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। मगर जब सेवकाई के समय आया, कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है। हमें भी अगर प्रभु के पीछे चलना है, उसकी सेवकाई में आना है, समझौता का तो कोई सवाल नहीं होता। हालेलुया, प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।